बचपन से सिंगिंग लाइन में ही रुचि है, ये हमारे पुरखों से चलता हुआ आ रहा है। हम आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो आप स्टेज शो सिर्फ स्टेज शो करते हैं कि एल्बम भी करते हैं? सारा चीज होता है, स्पेशली दीपू। अरे जलके हो जिस रनिया में प्यार हो जला, रूप देखा लसी माय से दीदार हो जला, नजरिया घुमाई ता ये मैया, नजरिया घुमाई ता तो खुशी संसार हो जला, नजरिया घुमाई ता सुखी संसार हो जला। ये गाना तो और इनके ब्लॉग्स आप लोग जरूर देखो, बहुत अच्छे अच्छे ये एंटरटेनिंग ब्लॉग्स बनाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका ब्लॉग्स, मैं बहुत देखती हूँ। तो नमस्ते प्रणाम, जय श्री राम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे, हमारे YouTube फैमिली सब बढ़िया होंगे। सो अभी हम एक सिंगर का इंटरव्यू लेने वाले हैं, मतलब भाई बहन हैं और दोनों गाते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे देखें हम लोग कि दो भाई बहन और एक और भैया हैं, वो भी गाते हैं साथ ही में, मतलब तीन आदमी हैं, तीनों भाई बहन हैं, दो भाई और एक बहन, वो साथ ही में गाती है। तो सबसे पहले हम भैया का नाम जानते हैं। भैया आपका नाम? जय माता दी, जय श्री श्याम। और मेरा नाम विशाल ओझा बिशु है। अच्छा, आप कब से सिंगिंग कर रहे हैं? जी हम लोग 16-17 साल हो गए इस लाइन में। अच्छा, मतलब 16-17 साल पहले से सीखे हैं, मतलब उसके पहले, मतलब आप किस क्लास में थे तब? उस टाइम, उस टाइम 6 या 7 में होंगे हम। मतलब बचपन से सिंगिंग लाइन में ही रुचि है, ये हमारे पुरखों से चलता हुआ आ रहा है। हमारे बाबा जी जो कि रेलवे के हेडमास्टर थे जी, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे गायक थे और थे कि अभी भी हैं। और मेरे पिताजी कलकत्ता पुलिस में स्पेशल ब्रांच में हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे गायक हैं। और आज आप सबों का प्यार और आशीर्वाद, गायिका दीपिका ओझा दीपू और हम भाई विशाल ओझा बिशु। और एक और भैया थे साथ में, वो क्या करते हैं? वो हमारे गार्जियन हैं और उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद है कि आज हम लोग जो कुछ भी है उन्हीं के निरीक्षण में है और उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो आपके गुरु का क्या नाम है? मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं। अच्छा, मतलब और साथ ही साथ पंडित मनोज मिश्रा जी, जिनके आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो आप स्टेज शो सिर्फ स्टेज शो करते हैं कि एल्बम भी करते हैं? सारा चीज होता है, स्पेशली दीपू और बिशु को जो हमारे भगवान स्वरूप जनता है जी, वो एक लाइव परफॉर्मेंस के वजह से ही काफ़ी ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देते हैं जी। और वैसे सब कुछ हम लोग करते हैं, एल्बम भी करते हैं, लाइव भी करते हैं, स्टेज भी करते हैं। आपका फर्स्ट एल्बम कब का था, कब है? हमारा फर्स्ट एल्बम 2006 में था शायद, दुर्गा जी तू तमाई बड़ू कैसन, वो गाना याद है? नौ में। हाँ 2007 में था, सॉरी 8 में दीदी का शादी हुआ था, 9 में 2007 में था उस, वो हम लोग का गाना था, हम लोग का एल्बम था दुर्गा जी तू तमाई बड़ू कैसन, वो गाना याद है? वो गाना हाँ याद है। तो गा के सुना दीपिका जी, गा के आपको सुनाएंगे। पहले सुनाओ फिर हम एक ही साथ गा दीजिए। हाँ हाँ, अच्छा गाने का पेमेंट भी आप दीजिएगा ना। बताइए आप पहले अपना ये मेरे से तो पूछ नहीं रहे, आप तो इनसे पूछे, हमारा इंट्रोडक्शन कराइए फिर हम गाएंगे। तो अभी साथ में, अभी मेरे साथ दीपिका हो जाए यानी दीपू जी हैं और बहुत ही मशहूर सिंगर है, स्टेज शो के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। धन्यवाद। वैसे मैं मस्ती कर रही थी, जैसे आप हम लोग की टांग खींच रहे हैं तो आपकी भी टांग खींच ले रहे हैं। सबसे पहले कि आप बी पी और एस बी पी एस
इस ब्लॉग्स देखने वाले सारे जनता को हम दोनों का बहुत सारा प्यार और नमस्कार। और ये बहुत ही नटखट है, अजीबोगरीब सवाल कर रहे हैं, हम कौन से स्कूल में थे, कब से अपना गाना स्टार्ट किए, तो हम इनसे भी पूछेंगे कि उल्टा मैं आपसे भी सवाल जवाब करूंगी, ठीक है, आपके ब्लॉग्स में। हाँ, तो पहली बात तो आप जिस एल्बम की बात कर रहे हो वो 2008 में मेरा एल्बम आया था, जो कि कोलकाता में ही, वो एक बहुत ही छोटी कंपनी थी सांवरिया फिल्म्स, उसके माध्यम से हमारा जो एल्बम आया था बहुत प्यार दुलार मिला था वहीं के लोगों के द्वारा। और उसमें का जो गाना है, अरे जल के हो जिस रनिया में प्यार हो जला, रूप दिखा लसी माई से दीदार हो जला, नजरिया घुमाई ता ए मैया, नजरिया घुमाई ता तो खुशी संसार हो जला, नजरिया घुमाई ता सुखी संसार हो जला। ये गाना था, और भी बहुत सारे गाने थे, फिलहाल मैंने ये सुना दिया आपको। वो कैसे आया था कि YouTube पे? अरे उस समय YouTube नहीं था बॉस, YouTube था, YouTube 2004 से था, VCD DVD का जमाना था। हाँ। उस समय अभी डेब्यू नहीं किया था YouTube, मतलब YouTube था लेकिन उतना नहीं था, VCD और DVD का जमाना था, समझ रहे हो, उस समय का ये गाना। तो वो जब गाना उस पे, मतलब कितना ज्यादा प्यार मिला था, मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिला था, मतलब कोलकाता मेरा जो भी, मैं एक्चुअली मैं बेसिकली मैं जागरण सिंगर हूँ, ठीक है, मेरा डेब्यू ही जागरण से हुआ था और आज भी मुझे बहुत लोग जागरण के माध्यम से ही ज्यादा प्यार करते, बहुत लोग, मतलब ये लोकगीत भी करते हैं लेकिन जागरण मेरा ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि जागरण मतलब भक्ति भाव का एक अलग लाइन होता है ना, तो भक्ति भाव, और कोलकाता में ये सब चीज़ ज़्यादा ही फेमस है, आपको अगर पता होना चाहिए तो कोलकाता में जागरण का एक अलग माहौल होता है, तो इसीलिए जागरण के जितने भी मंचेज होते थे सब पे मेरे को बहुत ही, मतलब इसका, मतलब इस एल्बम से बहुत प्यार दिया। एक जागरण का सुनाएंगी गीत, तो ये जागरण ही तो गाया मैंने एक अलग, अच्छा एक मंच का, अच्छा, अलग से मंच का, मंच पे गाया, मंच पे। और दीपू और बिशु जागरण में भोजपुरी के लिए स्पेशलिस्ट है, हम लोग जहाँ पे भी जाते थे स्पेशली फॉर भोजपुरी गाने के लिए। अरे दया दिखाए सभा में आए, दया दिखाए सभा में आए, तहे ब्रह्मा की रानी असरी में है, रौरे असरी में हम बानी, त ई सरदा महारानी, त रौरे असरी में हम बानी, हे सरदा महारानी। और आपके गुरु कौन थे? जो इनके गुरु वो मेरे गुरु, जो इनके पापा वो मेरे पापा, हम दोनों एक ही साथ सारा शिक्षा लिए हैं। पापा का नहीं, गुरु का सेम, तो वही तो सेम है हम लोग का। ठीक है, और मतलब आप निर्गुण पूर्वी ये सब गाती हैं कि नहीं? हाँ, अभी मैंने ये सारा चीज़ गाया। और वैसे भी आप आज जहाँ महाप्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम चल रहा है और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं अपने ब्लॉग्स पे, तो आज भी निर्गुण ही मैंने गाया बहुत सारा, और पुण्यतिथि का इनको समझ में नहीं आता, सुन लीजिए, इनको समझ में नहीं आता, और ये इंटरव्यू ले रहे हैं, और पहला ऐसा डॉक्टर देखा जिसको रोग का पता नहीं है लेकिन हाथ में नफ्स पकड़ा हुआ है कि भाई रोग है, तो ये जनाब है। वैसे हमें सब आता है, आप यूट्यूब पे आप दीपिका ओझा सर्च करिएगा तो आपको देखने मिलेगा। अगर कोई आपका मतलब प्रोग्राम के लिए बुक करना चाहे तो कैसे? जी बिल्कुल, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह नंबर से नंबर है, आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद वहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो आपके सवाल खत्म, मैं पूछूं? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं, और इनके ब्लॉग्स आप लोग ज़रूर देखो, बहुत अच्छे अच्छे ये इंटरटेनिंग ब्लॉग्स बनाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका ब्लॉग्स, मैं बहुत देखती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर देखिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग भी जब भी छपरा में आएंगे, सिवान जिला है, जब भी सिवान में आएंगे, अरे आपके साथ, आपके साथ हम लोग जरूर, हर एक जब भी आएंगे तभी ब्लॉग्स बनाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, लेकिन यही छपरा सिवान होके जाले, बलम कलकत्ता कमल, बलम कलकत्ता, मतलब मैं फिलहाल के लिए आपका बलम हो गई, मैं अभी कलकत्ता जाऊंगी ना, कलकत्ता से वापस आऊंगी तो सिवान में। बिल्कुल बिल्कुल, इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद दी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपको भी, हमारा इतना टाइम मैंने अच्छा करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग, और ये वीडियो पे ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। एगो बात हमारे जितना भी बड़ भैया भाई।
आज कतना भी भोजपुरी के गायिका लोग आ रहा बन ओकरा से बढ़ के ही दीपिका ओझा है। तो जौन भरत शर्मा जी पियावा सिवान से गा दिहलन ओकरा बाद अगर लड़की में केहू गावे वाली होई नो दीपिका ओझा बाड़ी। हम चाहब कि पियावा सिवान से गावो कर बाद दफड़ा गई हो। हरूरा सब सुनी आवाज पर ध्यान दी अच्छा लगे तो इनका के आशीर्वाद ताली से चाहे रुपया से फायर कम करे कर जय हो जय हो जय हो। आई बस बस इतना कह देनी मूवी में हमार बहुत हो गए यहां के हमार हम हमारे गोलू जी के एगो अलग ही रिश्ता बा बचपन से हमने के दोस्ती बहुत बहुत तगड़ा बा का जी सही बात बनो सही बात बनो आवा कैसे कहे कैसे कहे बा हंगा किने छुरी से कटारी हो गई नैन छुरी से कटारी हो गई कि नैन छुरी से कटारी हो गई हाय रूप की दुनिया पूछी हक की प्रेम की बीमारी हो गई कहत रे एगो भौजाई अपना लहुरा देवर से कहत रे कैसे कहत रे तोरे बैठो कहत रे कोना भाव कहत रे कि ए देवर जी कहीं अब हम घर में अकेले ही बानी एगो रौरे बानी त काहे ना हमार बात के रौरा तनी सुन ली आ कहत रे कैसे कैसे कहत रे हो कोना भाव में कहत रे अरे अनहार भैलियाई तदिवर तनी देहिया पा डाली धरा जाई चटनी बना के खा ली कहे कब कैसे कहे के बाद लड़का के पिताजी के तरफ बहुत 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 मुकुंद में यहाँ ही रहूंगा खड़ा होके खड़ा होके के मकोना भाव में हो आवा धीरे 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 अरे जिया हो जिया Yeah.
हमरे गोलू भाई के तरफ से।